राम राम, कभी चैन से चाय पीना नसीब ही नहीं मुझे। पता नहीं कौन है। हेलो, कौन है? दीदी, मैं बोल रही हूँ। अरे भाभी, तुम? अच्छा, आज आप घर में ही है ना? हाँ, फिलहाल तो मैं घर ही पर हूँ। नहीं नहीं मतलब बाहर जाने का कोई प्रोग्राम तो नहीं है? अरे लो कर लो बात भाभी, मेरे नसीब कहाँ कि मैं बाहर जाऊं। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वो मेरी सहेली है ना, मिसेस भरद्वाज, मैं उन्हें आपके घर ले आना चाहती हूँ। उसका बेटा अमेरिका से आया है, कंप्यूटर इंजीनियर है वो, और पता है दीदी, महीने में 1,00,000 रुपए कमाता है। वो भी आएगा हमारे साथ। लो कर लो बात भाभी, मगर क्यों? अरे दीदी, सोनिया के रिश्ते के लिए। वैसे तो मैंने मिसेस भरद्वाज से बात की है, लेकिन वो एक बार सोनिया को मिलना चाहते हैं, और मैंने सोचा कि अगर सोनिया भी एक बार उस लड़के को देख ले तो अच्छा रहेगा। क्यों, क्या ख्याल है आपका? ले आऊं ना उन्हें? लो कर लो बात भाभी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ले आओ ले आओ, मैं और सोनिया इंतजार करेंगे। ठीक है, बाय। अच्छा बाय। शालिनी, अरे कहाँ हो भाई तुम? अरे बच्चे को चुप कराओ यार। शालिनी, वो क्या हुआ दीपक? अरे बच्चे को चुप कराओ यार। तुम चुप करा सकते हो ना? मैं चुप कराऊं? मुश्किल से एक छुट्टी मिली है, लेकिन मेरे नसीब में शांति है ही नहीं। दीपक, बच्चा रो रहा है, कौन सी घर में अशांति फैल गई? और फिर तुम चुप करा सकते हो ना उसे? देखो, ये सब काम मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बच्चा हमारा है, उसका पालन पोषण हमें करना है। मगर तुमने तो जैसे कसम खा रखी कि घर में कोई मदद नहीं करोगे। क्या करूं मदद, बताओ? तुम ही बताओ क्या करूं मदद। कहो तो ऑफिस से छुट्टी लेकर घर में बैठ जाऊं, कहो तो घर की साफ सफाई करूं, झाड़ू मारूं, किचन में जाकर तुम्हारे लिए खाना पकाऊं। ऐसा नहीं कहा मैंने, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर मैं बिजी हूँ तो तुम थोड़ी देर को विशाल को संभाल सकते हो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अपने आप को बच्चे के करीब कैसे महसूस करोगे? ये लो, नया शुरू हो गया अभी। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है दीपक। तुम पहले भी विशाल को संभालते थे। मैं माँ के घर जा रही हूँ, देर हो जाएगी आते आते, तुम प्लीज विशाल को संभाल। तो विशाल को भी अपने साथ ले जाओ। नहीं ले जा सकती ना, तुम जानते हो नेहा अभी भी पास्ट में जी रही है। उसे अभी भी लगता है कि जो बच्चा वो मुझे देने वाली थी उससे खो गया है। अगर विशाल को लेके जाऊंगी तो 10 सवाल पूछेगी। तो कोई भी जवाब दे देना यार, लेकिन विशाल को मैं नहीं संभाल सकता। क्या बात है दीपक, तुम इतना रूखा बिहेव क्यों कर रहे हो? भाई मैं तो ऐसा ही हूं। नहीं दीपक, तुम पहले ऐसे नहीं थे। हाँ, मैं पहले ऐसे नहीं था क्योंकि पहले तुम्हारे पास वक्त था मेरे लिए, लेकिन अब विशाल के लिए वक्त है, औरों के लिए वक्त है, मेरे लिए वक्त ही नहीं है। क्या करूं मैं, क्या करूं? नहीं मेरे पास वक्त, और अगर तुम चाहते कि मैं तुम्हारे लिए वक्त निकालूं तो तुम्हें भी मेरे लिए वक्त निकालना पड़ेगा। अरे घर में थोड़ा काम में हाथ बटाओ, विशाल को थोड़ा सा समय तो दो। माफ करना शालिनी जी, गलती हो गई मेरी। सिर्फ विशाल को संभालने के लिए कहा था, पता नहीं था इतना लंबा चौड़ा भाषण भी सुनना पड़ेगा। भाषण नहीं दे रही हूँ मैं, सच्चाई है ये। नहीं सुननी है मुझे सच्चाई। क्यों नहीं सुननी तुम्हें सच्चाई? अरे भाई, अपनी सच्चाई मुझ पर चिल्ला कर क्यों निकाल रही हो? तो किस पे चिल्लाऊं, किसे बताऊं अपनी परेशानियों में? जाओ जाकर दरवाजा खोलो। क्यों, तुम दरवाजा नहीं खोल? नहीं खोलना है मुझे। दरवाजा खोल सकते हो ना, बच्चे को चुप करा सकते हो ना, घर में टाइम दे सकते हो, पता नहीं क्या समझ। माँ जी आप आइए, अंदर आइए ना। अरे माँ आओ। क्या बात है बहू, इस घर से बहुत ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी, और तुम्हारी आवाज तो जरूरत से ज्यादा ही ऊंची थी। माँ जी, अगर आपने पहले बता दिया होता कि आप आने वाली हैं तो। गलती हो गई बहू, अगली बार आने से पहले तुमसे पूछ लिया करूंगी। मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, सास आई है इतने दिनों बाद तो पानी पिलाकर ही तड़काओगी। अरे जाओ जाके कुछ चाय वाय का इंतजाम करो, और हाँ हो सके तो बादाम का शरबत ले आना मेरे लिए। जी। कैसी हो माँ? अरे ठीक ही हूँ भैया, बड़े मन से आई थी मैं तेरे यहाँ पर, लेकिन यहां आके तो मन ही खट्टा हो गया।
इस घर के बहू की आवाजें इतनी ऊंची? अरे भैया, हमारे खानदान में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। भगवान शांति दे अरोरा साहब की आत्मा को, जब तक वो जिंदा रहे ना, तब तक मैंने उनके सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। अरे ऊंची आवाज में तो क्या, कभी नजरें भी ऊंची नहीं की। और एक इनको देख लो बेटा, तू तो फंस गया। रिलैक्स मां, वैसे शालिनी अपनी आवाज कभी ऊंची नहीं करती, ये तो यूं ही थोड़ी बहुत बहस हो गई। अरे यूं ही बहस करने में इतनी आवाजें बाहर आ रही थी, तो भगवान ही मालिक है इस घर का। हाँ देखिए, हमें दहेज के नाम पर कुछ नहीं चाहिए, बस एक सुशील लड़की आकर हमारा घर संभाल ले। घरेलू किस्म की लड़की ही मेरे बेटे को पसंद है। लो कर लो बात, बहुत घरेलू है। ये जो सब चीजें आप देख रहे हैं ना बनाई हुई, ये सब मेरी बेटी ने ही बनाई है। सोनिया बहुत शर्मीली है, देखिए तो आंखें नहीं उठ रही उसकी शर्म के मारे। राम राम। वैसे आपकी बेटी की तारीफ तो बहुत ही सुन रखी है हमने, तो क्या ये रिश्ता हम पक्का समझे? हाँ, हमारी तरफ से बिल्कुल ही पक्का समझिए। मुबारक हो दीदी। आपको भी, ये लीजिए ना मुंह मीठा। रुकिए, मुबारकबाद देने से पहले मेरी राय भी सुन लीजिए। सोनिया, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, यहां मेरी शादी की बात हो रही है। मैं ऐसे लड़के के साथ कभी अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती जो अपनी मां की हां में हां भरे। बिना लड़की को जाने पहचाने उससे शादी के लिए तैयार हो जाए। और दूसरी बात, ना तो मैं सुशील हूं, ना घरेलू और ना ही शर्मीली सोनिया। और एक और बात, अगर लड़के ने मुझे पसंद कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उसे पसंद करूं। मैं आपके लड़के को नापसंद करती हूं। वाह बहन जी वाह, अपने घर बुलाकर खूब इज्जत की है आपने हमारी। अगर इस तरह से अपमान ही करवाना था तो बुलाया क्यों? हमने आपको न्योता नहीं दिया, जिन्होंने आपको यहां बुलाया उनसे शिकायत कीजिए। मिसेस शर्मा, ये आप किस जन्म का बदला ले रही हैं हमसे? आप इस बददिमाग लड़की से मेरे बेटे का रिश्ता जोड़ने जा रही थी? चलो बेटा चलो। नहीं, मेरी बात कुछ नहीं सुनना अभी हमें, चलिए। सोनिया, ये क्या तमाशा लगा रखा है? इतना अच्छा रिश्ता आया था और लड़के में क्या बुराई थी? हाँ, इतना ही पसंद आया आपको लड़का, तो आप अपनी बेटी निकिता की शादी उससे क्यों नहीं करा देती? तमीज से बात करो सोनिया। ये लो माँ, मैं क्या इनके साथ बदतमीजी से बात कर रही हूँ? दीदी, आपकी बेटी आपके हाथ से निकल गई है, अभी देखिए मिसेस भरद्वाज जाकर शहर में किस तरह की बातें फैलाएंगी। मामी जी, आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए और अपनी बेटियों की बदनामी की सोचिए। उनके चर्चे तो मुझसे भी ज्यादा इस शहर में मशहूर हो चुके हैं। दीदी, आपकी बेटी आपके सामने मेरी बेइज्जती करी, आप चुपचाप खड़े? हाँ भाभी, इसे माफ कर दीजिए, मैं इसे समझाऊंगी, माँ कुछ नहीं बोलेंगी। एक और सलाह दूं आपको मामी जी, पहले आप अपनी बेटियों के घर बसाने की सोचिए, उसके बाद मेरा घर बसाने की सोचिए। सोनिया, भाभी मेरी बात तो सुनिए। राम राम, क्या हो गया तुझे? दिमाग खराब हो गया तेरा? इतना अच्छा रिश्ता घर तक चलकर आया और तूने उसे ठुकरा दिया? और सोनिया, जो तूने आज भाभी के साथ हरकत की है ना, उसके लिए तू बहुत पछताएगी। राम राम, क्या क्या सपने देखे थे मैंने, मेरी बच्ची का घर बस जाएगा एक बार, फिर उसके बाद मैं अपनी आंखें बंद करके भगवान के पास चली जाऊंगी। लेकिन तू तू तो मेरा ये सपना पूरा होने ही नहीं देगी। माँ, घर तो मैं भी अपना बसाना चाहती हूँ, लेकिन आज जो तूने हरकत की है ना सोनिया, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तेरा घर कभी भी बसेगा। पता नहीं तू किसके साथ घर बसाना चाहती है, किसको चाहती है? माँ उसे जानती है। कौन हो सकता है वो?
आप राजीव को जानती है ना माँ? राम राम, तू पागल तो नहीं हो गई है? तेरा दिमाग खराब हो गया? तुझे पता है तू क्या बक रही है? माँ अगर प्यार में लोग पागल होते तो माँ मैं पागल हो गई हूँ। आपकी बेटी पागल हो गई है, मां राजीव के प्यार में पागल हो गई है। प्यार करती हूँ मां। राम राम, ऐसा क्या है उस राजीव में? ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं उसके अंदर? राम राम, तो कर लो बात, दो बीवियों में तो पहले से ही घिरा हुआ बैठा है वो, और तू उसके साथ? मां राजीव के बारे में ऐसी वैसी कोई बात मत करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम समझती क्यों नहीं हो मां? मां मैं राजीव से प्यार करती हूँ, मैं सच्चे दिल से उसे अपना पति मान चुकी हूँ। मैं उसके बिना नहीं जिंदा रह सकती मां, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। आपको मालूम है मां, दोनों ने मिलकर मेरे राजीव की क्या हालत बना दी है, कितना परेशान रहता वो दोनों की वजह से। मां देखना, आपकी बेटी सोनिया राजीव का घर एक बार फिर बसाएगी। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ मां, मैं उसके बिना नहीं जिंदा रह सकती। देख सोनिया बेटा, ऐसे सपने मत देख जो पूरे ना हो सके। माँ सोनिया ऐसे सपने देखती ही नहीं है जो पूरे ना हो सके। और अगर ऐसा हुआ ना माँ, अगर ऐसा हुआ, सोनिया अपनी जान दे देगी माँ, लेकिन उसे भागे रहेगी। राजीव को मैं छुआके रहूंगी माँ, मैं राजीव को भागे रहूंगी। राजीव से मेरे लेकिन राजीव के बिना नहीं रह सकती माँ। शर्माए परिवार और उनकी दोनों बेटियों ने आपकी आपकी बेटी के रास्ते में कांटे बिछा रखे हैं माँ। उनकी वजह से मैं राजीव के करीब तक नहीं जा सकती हूँ। मेरे सारे अरमान सारे सपने सब अधूरे रह जाएंगे माँ। माँ मेरी मदद करो माँ, माँ आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हो तो मेरी मदद करो, मैं नहीं रहूंगी जिंदा उसके बिना माँ। माँ उसके बिना मैं मर जाऊंगी माँ, कुछ करो माँ, मेरी मदद करो, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। मुझे राजीव चाहिए माँ, मुझे राजीव चाहिए, मुझे राजीव चाहिए। मैं तेरी मदद करूंगी, अपनी बच्ची की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तो चुप हो जा, राजीव को चाहिए मिलेगा। हाँ बोलो। वेलकम मिस्टर लांबा। और ये क्या लांबा, ये साथ में अपने पुलिस वालों की बारात क्यों लेकर आए हो? मैं नहीं लाया हूं, पुलिस मेरे साथ दिन रात रहती है। जब से तुम्हारा पहला कॉल आया है तभी से पुलिस अलर्ट हो चुकी है, और मेरे चाहने या नहीं चाहने से मैं पुलिस वालों को रोक नहीं सकता। तो पुलिस वाले तुम्हारे थ्रू मुझ तक पहुंचना चाहते हैं? ये मैं नहीं जानता हूं, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अपनी जान की कीमत तुम्हें अदा करने आया हूं। और फिर तुम तो बहुत चालाक आदमी हो, तुम्हारे लिए पुलिस से बच निकलना कोई मुश्किल काम नहीं है। ना 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 ना, कोई मुश्किल काम नहीं। वैसे भी अगर कोई मुश्किल आती है मेरे रास्ते में तो मैं उसे अपने रास्ते में ज्यादा देर टिकने नहीं देता हूं। वो सामने पड़ा हुआ पत्थर देख रहा हूं? हाँ। उसके नीचे एक चिट्ठी है। हाँ, क्या लिखा है उसने? चार दीवारी। अब उस चिट्ठी को अपने मुंह में डालो। जहर नहीं है भाई, अपनी जान की कीमत देने आए हो ना, तुम्हें मरने थोड़ी दूंगा। उस
चिट्ठी को अपने मुंह में डालो, चबाओ और निकल जाओ। अब मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ जाओ। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि चलती गाड़ी में मोबाइल पर बात करना गैर कानूनी है। अपना मोबाइल गाड़ी से बाहर फेंक दो। पैसा लायो। मुझे अपनी जान प्यारी है, पैसा डिक्की में। वेरी गुड, अब गाड़ी से चुपचाप उतरो। चुपचाप 10 कदम आगे जाओ, बिना पीछे देखे। उस गाड़ी में पैसे लेके गए। हाँ चलो पीछा करो। बच्चों का अपहरण करते हो, बम ब्लास्ट करते हो, धमकी देकर पैसा वसूल करते हो और पूछते हो मैंने क्या किया। साहब आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मुझे तो सिर्फ एक गाड़ी चलाने की पैसे दिए गए थे 10,000 रुपए। क्यों कैसी रही? वॉकमैन ऑन करो और सुनो। मुझे पुलिस से दूरी बनाए रखना आता है। जिस कार का पीछा पुलिस करती है उसमें मैं तो क्या, मेरा साया भी नहीं। जो भी हो खेल अच्छा खेलते हो, अब आएगा तुम्हें पकड़ने का मजा। बदल जाती।